पास में ही उनका ऑफिस था अध्यक्ष महोदय, तो वो आने से मना कर दिया। अध्यक्ष महोदय हमको उल्टा बुलाए, बोले कि मैडम को बोलिए, मैडम को बोलिए कि वो बोलने दीजिए। रणधीर जी बोलने दीजिए। माननीय पीड़िता, माननीय पीड़िता विधायक है रणधीर जी, रणधीर जी माननीय पीड़िता विधायक है, महिला है और बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि बाबा मंदिर आपके जिला में अवस्थित है। बोलिए, हो गया आपका सूचना। हमने एसडीओ साहब को बुलाया, वहाँ का जो व्यवस्था था इतना खराब उसको दिखाने के लिए। तो एसडीओ साहब वहाँ के जो दिनेश यादव जी हैं, आईएएस हैं, उनको बहुत घमंड है। वो बोले कि हम नहीं आएंगे, उनको बोलिए यहीं पे आके हमसे बात करने के लिए। तो हम गए और उसके बाद उनका अभिवादन किया अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उल्टा हमको बोला कि आप और वो आपके साथ एक ही जाएगा, बाकी सब बोलिए कि अपना पास लाइन में लगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक्शन लीजिए, लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, एक्शन लीजिए। निश्चित तौर पर अंदर इसका रिपोर्ट लेकर जो भी दोषी पदाधिकारी और कौन इसमें इन्वॉल्व था उसे चिन्हित करके उसकी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। अब विनती जी, अब सवाल हो गया, अब हो गया आसन से। माननीय अध्यक्ष महोदय पूछिए। माननीय हो गया। अब मंत्री जी माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ के जो महाप्रबंधक है वो आके बोलते हैं आप अपना काम कीजिए, हम भी विधायक बन सकते हैं। तो हम बोले हम यहाँ पे भक्त की तरह यहाँ पे आए हैं, विधायक की तरह नहीं आए हैं। तो भी मतलब इतना खराब से व्यवहार किए, उसके बाद हम आके बैठ गए, अपना पूजा करने चले गए। मेरे सामने से मेरे पीए को घसीट के वहां से निकाला गया। उसके बाद वो छड़ी लेके खड़े थे और हमसे बहुत बदतमीजी से पेश आए, जो पूरा वीडियो आज पूरा झारखंड देख रहा है। अध्यक्ष महोदय मेरा मांग है, सदन की गरिमा को बचाने का मांग है अध्यक्ष महोदय, कि हर किसी का बेइज्जती है। अध्यक्ष महोदय आप अध्यक्ष से पहले एक विधायक है अध्यक्ष महोदय, और मैं पहले एक महिला हूँ, और वहाँ पे महिलाओं से कैसे बात करते हो महाप्रबंधक को अगर नहीं पता है। और वो आस्था का मंदिर है अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे एक गरिमा मेंटेन करना चाहिए था अध्यक्ष महोदय। आप एक जांच समिति बनाइए अध्यक्ष महोदय, जिसमें सर्वदलीय जांच समिति हो। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य और कार्रवाई की। माननीय सदस्य आप सारी निष्कर्ष पर न जाए, आप सारे निष्कर्ष पर अध्यक्ष महोदय। माननीय संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर में है, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को उन पर कड़ा एक्शन लेने के लिए कह दिया है। अब उन पर आप आस्था रखिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री का अगर कार्यकलाप से आप असंतुष्ट होंगे तो फिर आगे आपका जैसा ही होगा, हम लोग करेंगे। बैठिए। बिरिंची जी, चलिए चलिए, हो गया।